Hello students, today we covered the topic anatomical features of ephedra. In the last lecture we covered the morphological features. Content of this lecture are the TS of young and old stem, RLS of stem, TLS of wood, TS of leaf and TS of root. First TS of the young stem. जो स्टेम है उसमें रिब्स एंड फ्यूरोस प्रेजेंट होते हैं, रिजेस प्रेजेंट होती है. तो जो स्टेम है एफिड्रा की, दैट इज रिब्ड. सो ट्रांसवर्स सेक्शन में भी क्या शो करेगी ये, इन रिब्स की वजह से रिजेस एंड ग्रोव्स को शो करेगी. जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कवर्ड विद क्यूटिकल बिकॉज इट शो द जीरोफिटिक कैरेक्टर्स. अदर जीरोफिटिक कैरेक्टर्स इज सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द स्लोप ऑफ द रिजिस. जो रिजिस प्रेजेंट होंगे उसके अंदर जो सर्कुलर पिट्स होंगे वहां पे सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे. बिलो द रिजिस क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा. इस स्क्लेरेनकाइमेटस जो हाइपोडर्मिस है ये स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. उसके बाद जो कॉर्टेक्स है दैट इज डिफरेंशिएटेड इंटू इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर कॉर्टेक्स. जो आउटर कॉर्टेक्स है दैट इज 2 to 3 लेयर्ड, जिसमें पैलिसेड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. और जो इनर कॉर्टेक्स है उसमें 2 to 3 लेयर्स स्पंजी पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा. तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द टीएस ऑफ द स्टेम. दिस इज द वेवी लाइन शो द रिजिस, दिस आउटग्रोथ्स एंड दिस डिप इज कॉल्ड ग्रूव. अंडर द रिजिस देयर इज द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू विच प्रोवाइड इट मैकेनिकल स्ट्रेंथ. आफ्टर दैट there is the cortical region, outer cortex and inner cortex. After the cortical there are in the after cortical region there is endodermis and pericycle surrounded the vascular bundles. A few patches of sclerenchymatous like this and this, these are the sclerenchymatous patches which are present in the cortex also, and presence of these sclerenchymatous also provide mechanical strength to the stem. In the cortical region, in this cortical region likewise this spongy and pellucid parenchyma, this consists of the chlorophyll tissues. ये जो granular shows किया हुआ इसमें, these are the chlorophyll. ये किस वजह से है, क्योंकि इसमें जो photosynthesis का function है वो stem ही करते हैं, and that is due to presence of this chlorophyll chlorenchymatous. So that's why it is also known as the chlorenchymatous tissues. जो वस्कुलर बंडल्स है एक उसमें मैनी वस्कुलर बंडल्स, जैसे यहाँ पे आप देखोगे जो वस्कुलर बंडल्स है वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे ये सारे के सारे. और मैनी वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये सारे रिंग की फॉर्म में अरेंज हैं. जो वस्कुलर बंडल्स है इसमें और जो सेंटर है, सेंटर में लार्ज पिथ प्रेजेंट है. उन जो वस्कुलर बंडल्स है दैट आर सराउंडेड बाय द एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल. जो वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि जो जाइलम और फ्लोएम है, ये इसमें जाइलम है ये फ्लोएम है. तो जाइलम और जो फ्लोएम है वो एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल्स. एंड कोलेट्रल एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है, ओपन बिकॉज कैम्बियम इज प्रेजेंट हेयर. एंड एंडार्क एज द जाइलम में जो प्रोटोजाइलम है दैट इज टुवार्ड्स द सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एंडार्क वस्कुलर बंडल्स. जो जाइलम है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ द जाइलम ट्रैकेट्स वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा. और जो वेसल्स है मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म्स में ये एब्सेंट होते हैं, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वेसल्स एफिड्रा को जो एडवांस जिम्नोस्पर्म्स है उसमें रखा गया था. और इसकी वजह से जो एफिड्रा वो किससे रिजेंबल करता है, एंजियोस्पर्म से, बिकॉज जो जिम्नोस्पर्म्स है मोस्टली उनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होते हैं. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड एल्बुमिनस सेल्स. और जो सेंटर है उसके अंदर ब्रॉड पैरेन्काइमेटस पिथ प्रेजेंट होगी इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल्स. जो वस्कुलर बंडल्स है इनके बीच में मल्टी लेयर जो मेडुलरी रेज है वो प्रेजेंट होंगी, जो कि कनेक्ट करेंगी पिथ को वस्कुलर जो कॉर्टिकल रीजन है उससे कनेक्ट करेंगी. Now comes to the TS of the old stem. TS of the old stem कब, जब उसमें जो young stem है उसके अंदर secondary growth हो जाती है. और secondary growth किसकी वजह से होगी, वहां पे intrafascicular and interfascicular cambium present है, उसकी वजह से इसमें secondary growth होगी इनकी activity की वजह से. तो उससे क्या होगा, ये एक complete ring बना लेंगे cambium के vascular bundles के around. So जो cambium cell है कट द, उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लोएम है सेकेंडरी फ्लोएम है
वो आउटर साइड उसको पुश करेगा, क्योंकि जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, तो जो प्राइमरी फ्लोएम उसको आउटर साइड पुश करेगा और क्रश करेगा, और सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड. सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यू, जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश्ड हो जाएगा, और जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर की साइड पुश हो जाएगा टुवर्ड्स द सेकेंड एट द बेस ऑफ द सेकेंडरी जाइलम. इन एडिशन टू दिस वस्कुलर कैम्बियम, की यहाँ पे तो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वस्कुलर कैम्बियम में, जो मेडुलरी रेज प्रेजेंट है वस्कुलर कैम्बियम के बीच में उनके अंदर भी ग्रोथ होगी, एंड दीज रेज आर लॉन्ग मल्टीसीरिएट है, ब्रॉड है, एंड दिस ट्रांसवर्स बिटवीन द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम एज इन दिस डायग्राम शो. यहाँ पे देखो जो कॉर्टिकल रीजन है वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्क्लेरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमेटस एंड स्क्लेरेनकाइमेटस. जो फ्लोएम है यहाँ पे जब भी ये सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है, ये प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है, ये स्टोन सेल्स प्रेजेंट है और ये प्राइमरी फ्लोएम है. तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है ये क्रश्ड हो जाता है आउटर साइड में, यहाँ पे जो कैम्बियल एक्टिविटी है उसकी वजह से ग्रो करते हैं, इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन बिल्कुल आउटर साइड में प्राइमरी फ्लोएम. सेंटर के साइड जो है वो यहाँ पे जो प्राइमरी फ्लोएम सेंटर के साइड पुश कर देंगे इसको, और जो पिथ है वो डिक्रीज होती जाएगी. ये इसमें देखो आप, इसमें जो मेडुलरी रेज है ये तो सारा सेकेंड प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी जाइलम है, ये कैम्बियम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है, एंड दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, एंड दिस इज कॉर्टिकल रीजन, क्लोरेनकाइमस, क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज, दिस इज पिथ प्रेजेंट. और ये जो मेडुलरी रेज है यहां से लेके यहां तक ये सारे क्या है, मेडुलरी रेज है, जिसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, मोर देन वन लेयर ऑफ मेडुलरी रेज प्रेजेंट है. ये मेडुलरी रेज पिथ को इस कॉर्टिकल रीजन तक कनेक्ट करेंगी. तो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम ऑफ एफिड्रा, या फिर टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम ऑफ एफिड्रा. Now comes to the radial longitudinal section of the stem. जो radial longitudinal section में अगर हम stem का लेते हैं तो इसके अंदर जो उसके different components हैं xylem और phloem के, जो xylem tracheids हैं, vessels हैं या फिर phloem cells हैं, वो हमें इसमें clear दिखाई देती है. medullary rays हैं, उनको भी हम clearly इसमें visualize हो सकते हैं, उसकी length को हम observe कर सकते हैं. तो जो xylem tracheids और medullary rays हैं वो यहाँ पे देखो, ये जो vessels हैं, ये जो medullary rays हैं, ये clearly visible हैं इसमें. ये फ्लोएम सेल्स हैं. तो मेडुलरी रेज आर कट लेंथवाइज एंड देयर लेंथ एंड यहाँ पे हम इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो ट्रैकेट्स है इसमें आप देखो, जो ये रेडियल बॉर्डर पिट्स है एंड दीज आर द ट्रांजिशियल बॉर्डर पिट्स. सिमिलरली जो वेसल्स है उसमें भी हमें ये बॉर्डर पिट्स विजिबल है. तो ये सारा का सारा हमें किसमें, रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्टेम में हम देख सकते हैं इसको. दीज आर द वेसल्स विद द बॉर्डर पिट्स. नेक्स्ट टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. टेंजेंशियल जैसे कि हमने रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस में देखा है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है डिफरेंट सेल्स है जाइलम और फ्लोएम के, वो यहाँ पे भी टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में भी वो विजिबल होंगे. लाइक जो रे सेल्स है, मेडुलरी रेज है, ट्रैकेट्स है, वेसल्स है एंड बॉर्डर पिट्स है. तो ये आरएलएस की तरह इसमें भी जो है विजिबल है. नाउ कम्स टू द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ. जो लीफ है एफिड्रा में दैट आर हाईली रिड्यूस्ड एंड स्केली लीव्स, बिकॉज जो फोलियस लीफ और जो ट्रू लीव्स हैं दैट आर एब्सेंट इन द एफिड्रा. उसमें क्या होगा, एपिडर्मिस है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ओवल सेल्स, उसके अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा बिकॉज इट इज जेरोफिटिक. स्ट्रोमेटा है अगर प्रेजेंट होंगे तो देन संकन स्ट्रोमेटा. टू टू थ्री लेयर्स पैलिसेट टिश्यू प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द इनर एपिडर्मिस. और जो सेल्स होंगे उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे. सेंटर के अंदर पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होगा. वस्कुलर बंडल्स है उसमें, दो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे और वो क्या होंगे, क्लोज्ड एंड कोलेटरल वस्कुलर बंडल्स. ये इस टाइप से देखो, बाहर की साइड क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, ओव्यूल्स एपिडर्मिस प्रेजेंट है, उसके बाद टू टू थ्री लेयर्स जो है क्लोरेनकाइमेटस पैलिसेड पैरेनकाइमा प्रेजेंट है, जिसमें जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस है. सेंटर में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है, दो वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है इसमें, और जो जाइलम है वो टुवर्ड्स द इनर साइड प्रेजेंट है. कोलेटरल है जाइलम और फ्लोएम, एक ही उस पर प्रेजेंट होंगे एंड क्लोज्ड है, इनके अंदर कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज द टीएस ऑफ एफिड्रा लीफ. जो स्ट्रोमेटा है, अगर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है तो स्ट्रोमेटा क्या है इसमें, ये सनकन स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है.
Now comes to the TS transverse section of the root. जो root का transverse section है, इसमें जो single layered है, single layered epiphyllum present है, cortex two parts में divided है, outer cortex and inner cortex. जो outer cortex है, that is the colon connective cells. उसके अंदर जो lignin का deposition, जो कि इसको mechanical strength provide करता है, colon connective tissue present है. Inner cortex है, that is the parenchymatous tissues. Inner to the cortex are present this endodermis and single layered cell pericycle is present. These endodermis and pericycle surrounded the vascular bundles. Mostly vascular bundles are diarch, but in some mature roots or old roots that may become triarch vascular bundles. Vascular bundles are radial and exarch. Radial means यहाँ पे देखो आप एक radius पे क्या है जाइलम present है, अदर जो radius है उन पे क्या है phloem present है. तो diarch में ये एक ही साइड जाइलम present है, एक जाइलम ये present है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे phloem present है. सेंटर में जो लार्ज pith present है, pith tissue is parenchymatous. So this is all about with anatomical features of ephedra. Thanks. In the next lecture, we will cover about the reproduction in ephedra. Thanks.